इतना बताने के बाद किसी का दिमाग तो चेंज होना चाहिए था। देखो क्या होता है। वर्स 40 पढ़ो पढ़ो। इतना जोर से मत पढ़ो, थोड़ा हल्लू से, मतलब इतना चिल्ला से नहीं, इतना जोर से मत पढ़ना, हल्लू हल्लू से पढ़ना। 540 राइट। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। अरे आप जिस चीज के लिए ढूंढ रहे थे इतने सालों से, आपको वो मिल रहा है, सामने है, मैं बता रहा हूं आपको, और कितना बताऊं आपको, और फिर भी आप नहीं आना चाहते हो। बेवकूफी है, बेवकूफी है। वो उसी समय उसी मनुष्य के साथ जैसा हो गया था कि उसने एक गांव में गया था, उसने देखा कि सब लोग वहां पर अफ्रीका के गांव में कि कितने दूर तक वो लोग पानी भरने के लिए जा रहे हैं और भाजीपाला वगैरह लाने के लिए जा रहे हैं। उतना तरस खा के उन्होंने एक बड़ा सा गाड़ी उनको गिफ्ट कर दिया, बड़ा सा गाड़ी उनको गिफ्ट कर दिया कि ये गाड़ी में बैठो, ऐसे चलाओ, जाओ भाजी वाला ला, जो भी लाना ला, और वापस आ जाओ इतना दूर, बहुत मील दूर था वो गांव। तो उनको तरस आया और उन्होंने गाड़ी गिफ्ट कर दिया। एक साल बाद आते हैं वो और देखते कि गाड़ी का हालत वैसे का वैसे ही है। वो बोले कि क्या हो गया, कैसे चला रहे हो? तो बोले कुछ नहीं, हम अपने दो बैल को आगे रखते हैं और चलाते हैं, बांधते गाड़ी को और गाड़ी खींच खींच के हम लोग गाड़ी में बैठ जाते। समझ में आ रहा है? वैसे ही है, वैसे ही है। तुमको पता है कि तुमको साधारण जीवन दिया है जो अलौकिक है, जो सब तुम्हारा उत्तर सब कुछ है उसमें, फिर भी तुम घसीट घसीट के चल रहे हो। इतना मशीन वाला अच्छा जिंदगी दिया यीशु मसीह ने, आए हम लोग ऐसे जी रहे जैसे कि हम नियम में जी रहे थे। क्या फर्क है अनुग्रह में जीना और नियम में जीने में? क्या फर्क है? सेम तो है, सेम तो जीवन जी रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हम अनुग्रह का लाभ नहीं उठा रहे क्योंकि हमें पता नहीं कि अनुग्रह क्या, अनुग्रह ने क्या किया हमारे लिए और क्या कर रहा है। अनुग्रह क्या कर रहा है अभी दिख रहा है, वो अनुग्रह छोड़ दो, ये अनुग्रह दिख रहा है, उसको पकड़ के देते हैं। इतना प्यार क्या हो गया मुझसे? रिचिंग के टाइम पे ज्यादा प्यार आता है इसको। YouTube पे देखो, सब देखेंगे नगरी। ये बटर नो नो इट्स ऑन यू कंटिन्यू। ओके तो समझ में आ रहा है। रीड वर्स 43 जस्ट लीव इट लाइक वर्स 43। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम ग्रहण नहीं कर रहे हो। मनुष्य का ये स्थिति है कि उसको सच्चाई दिखाई दे रहा है, सच्चाई सामने, पर वो ग्रहण नहीं करना चाहते। रीड वर्स 1:11 जॉन 1:11 वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ग्रहण नहीं किया, अपने घर आया, अपने ने ग्रहण नहीं किया। 319 John 3:19 और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम बुरे थे इसलिए उन्होंने ग्रहण नहीं किया। उनको अंधकार से इतना लगाव था कि ज्योति के पास वो लोग नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने ग्रहण नहीं किया। 845 Keep reading. 845 and 46 परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। एक मिनट, मैं सच बोल रहा हूँ पर तुम मेरे प्रतीति नहीं कर रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ, लोगों को सच नहीं सुनने का है, लोगों को सच अच्छा नहीं लगता है। वर्स 46 तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, और यदि मैं सच बोलता हूँ ज्योति के पास नहीं आना है। क्यों? तुम्हारा पूरा धंधा बिजनेस चलता है इस पे कि तुम अंधकार पे रहो और ज्योति के पास ना आओ। आगे देखो Psalms 81:11 परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इज़राइल ने मुझको न चाहा। मेरी प्रजा, किसकी प्रजा? अगर प्रजा है तो राजा भी है। मैं इस देश का राजा हूं और मेरे खुद के प्रजा मेरे नहीं सुन रहे और मुझे नहीं चाहा मेरे लोगों ने। सी वर्स 53 Isaiah 53:1-3
इसको दूध देना है, इसको शांत करना। पहले मैं बोली ही नहीं सुनो, पहले चालू करते हो तो ऐसे करेंगे, कभी नहीं चालू करते करी हो क्या मतलब खबर है। और पी उसके मुंह में दे दो, मुंह में दे दो, मुंह बंद रहे उसको, मुंह में से बॉटल मुंह में दे दो बस। 53 1 2 3 जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसके उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। उसको नकारा गया, उसको रिजेक्ट किया गया उसके खुद के लोगों ने। इसके बारे में भविष्यवाणी भी किया गया था, इसके बारे में भविष्यवाणी भी किया गया था। ओके, एज़ेकियल 33:11 सो तूने उससे यह कहा, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरे फिर कर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? तुम क्यों मरना चाहते हो? सुनो मेरी बात, मैं सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लोगों ने तुम्हें कुछ अलग सिखाया, तुम्हारे बुद्धि के द्वारा तुम चल रहे हो, आत्मा से नहीं चल रहे हो। कितना सच्चाई बताओ आप लोगों को। वर्स 33 ऑफ दैट सेम चैप्टर, एज़ेकियल 31 एंड 32 वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो सुनते तो है पर चलते नहीं वचन के ऊपर। हमारा जीवन ऐसा क्यों है? उन्होंने प्रार्थना में कहा कि ये पूरे पिछले साल में हमने बहुत से चीजें सीखे हैं वचन से, पर चल नहीं रहे। आगे देखो, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। अगर परमेश्वर हमारे बारे में ये कहे तो थप्पा लग गया। मुंह से प्रेम करते हैं मुंह से, पर अंदर क्या है? लालच। किस चीज का लालच? किस चीज का लालच? आप बताओ किस चीज का लालच? लालच एक ऐसी चीज होती है ना, आप कुछ चाहते हो पाते नहीं, करेक्ट? पाने के बाद आप और चाहते हो, उसी को तो लालच कहते हैं। आप चाहते हो पाते नहीं। मुंह से वो लोग प्रेम करते मुझसे, पर वो लोग जो चाह रहे नहीं पा रहे। क्यों? चल नहीं रहे हैं मेरे वचनों के ऊपर। समझ में आ रहा है? चल नहीं रहे हैं मेरे वचनों के ऊपर। Matthew 22:3 और तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छे बजाने वाले का सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। वे तेरे वचन तो सुनते तो हैं पर चलते नहीं। आप में से कितने जनों ने वो मेडिटेट कर दिया कि यीशु मसीह ने अपना पोजीशन छोड़ दिया लास्ट बार जो प्रीचिंग किया? आई नो यू किया मेडिटेशन कि यीशु मसीह ने अपना पोजीशन छोड़ दिया और गॉड नहीं है। एपिस्टल में पढ़े आप ढूंढे कि यीशु मसीह को फिर से परमेश्वर कहा गया कि नहीं? नहीं चलते हम लोग, इसलिए हम कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए हम कमजोर पड़ जाते हैं और हम बार बार वही सवाल फिर से पूछते क्या करें क्या करें। जितना ज्ञान आपने पा लिया ना, एक बात बोलू, इतना ज्ञान तो शायद से लोगों के पास भी नहीं था जो अभी बड़े बड़े काम कर रहे हैं। उनको इतना ही मालूम, मेरे परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस उतना ही मालूम।
और उतने से ही वो दुनिया हिलाते हैं। हमने सारे ग्रीक हिब्रू सारे शब्द मास्टर कर दिए, लाइफ वैसे के वैसे बता, वही गुस्सा वही तनाव वही सब। रीड मैथ्यू 22:3 वर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसने अपने दासों को भेजा कि नेहताहरियों को ब्याह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। आना न चाहा, क्या मिल रहा है तुमको? मुफ्त का खाना, क्यों नहीं आना चाहते हो? आज के जमाने में जहां पर मुफ्त का खाना मिलेगा, कौन क्यों नहीं जाना चाहेगा वहां पे, बोलो? सही बात है कि नहीं? तो क्यों नहीं जाना चाहते हो, एक बार बोलो, क्यों नहीं जाना चाहते हो? लूक 14:18 पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। क्या बहाने बहाने? आप नजरे यहां पर, आप परमेश्वर को बहाने दे रहे हो, जो चीज परमेश्वर ने आपको दिया उसका बहाने आप परमेश्वर को दे रहे हो। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे? परमेश्वर को बोलो, जो चीजें आपने मुझे दिया दे दो वापस, कार्य हो जाएगा। लेंगे परमेश्वर? नहीं, एक बार दिया दिया, पर वो ही बहाने हैं। आपको पता है उनका बॉटल को, आपको पता है एडम कहाँ छिप रहा था परमेश्वर से? झाड़ियों के पीछे। जो झाड़ परमेश्वर ने बनाया है वही झाड़ियों के पीछे एडम छुप रहा है। आप कौन से बहानों के पीछे छुप रहे हो? बेवकूफी है, परमेश्वर को बहाने दोगे? जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसी का इस्तेमाल आप कर रहे हो परमेश्वर के खिलाफ। हाँ कि ना? मैं अकेला हूं, ठीक है। यहां पर लिखा गया है कि तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो। क्या नहीं करना चाहते हो? आना नहीं चाहते। क्या टाइम? चलो रीड Isaiah 55:3 आना नहीं चाहते हो। Isaiah 55:3 कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। क्या लिखा है? मेरे पास आओ, कान मेरे पास आओ और क्या करो? हम पास तो आते हैं, कान नहीं लगाते। और सुनो तब तुम जीवित रहोगे। हम पास आ रहे, कान नहीं लगा रहे और सुन नहीं रहे। तेरे पास और सुनो ना भी, सुनो ना भी, ये गाते ही जाओगे, मेरा भी कुछ सुनो। आर वी दिस और एम आई जस्ट टॉकिंग अलोन? हम है ऐसे ये स्थिति में क्योंकि वी हैव टू फाइंड अ वे आउट। ये बेसिक्स है यार, ये हैवी नहीं है, ये वचन है, ये हैवी नहीं है। हैवी मटेरियल तक पहुंचे नहीं अभी तक, गॉड ब्यूटी वो सब नहीं पहुंचे हम अभी तक। परमेश्वर कह रहे हे भटकने वाले मेरे पास लौट आओ, कौन सुधारेगा तुम्हें? मैं अपने आप को सुधारूंगा परमेश्वर, मैं अपने आप को धर्मी बनाऊंगा, मैं ठीक से चलूंगा, मैं प्रार्थना ज्यादा करूंगा, मैं नहीं आप कर नहीं सकते। आप यदि कर पाते थे आप पहले से ही करते थे, आप खुद पे नहीं कर सकते हो। परमेश्वर आपका भटकना सुधार सकते हैं, आप खुद नहीं। कोशिश भी मत करना, आप निराश हो जाएगा, बोलोगे छोड़ो ये भी नहीं करना।
फोकस हमारा कहीं और है यार, टेक यार फोकसिंग समवेयर एल्स, हमारा फोकस कहीं और चल रहा है, हम कुछ और सोच रहे और कर रहे और लोगों ने हमें कुछ और सिखाया है, ध्यान यहां पर, लोगों ने हमें कुछ और सिखाया है, लोगों ने कहा इट्स ओके इफ आई गो लिटिल हेवी और कीप इट वेरी सिंपल एंड फिनिश इट, क्योंकि हम ही लोग हैं तो चलेगा ना, थोड़ा चलेगा, कैपेसिटी है, ये झट से खत्म करो, खत्म कर तो नहीं रहता। लोगों ने हमें सिखाया अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन को सुधारो, सुधारो, पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, फास्टिंग करो, ये करो, वो करो, जो भी है अपने जीवन को सुधारो, पहले अपने पाप को छोड़ो फिर परमेश्वर तुम्हें अपनाएगा। अरे कौन है ऐसे जो कह सकते कि मेरे में पाप नहीं है, और जब मेरे में पाप था तभी परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, तो जब मैं उनका बेटा हो गया तो और कितना प्यार करेंगे मुझसे, जब मैं इतने गंदा था, बहुत गंदा था, तभी परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, जब उन्होंने मुझे अच्छा बनाया, अभी सफेद वस्त्र पहना दिया मुझे, तो अभी क्यों नहीं प्यार करेंगे, क्यों नहीं मुझे बेहतरीन बनाएंगे, क्यों ना मुझे अपने मार्गों पर चलाएंगे, क्यों मुझे कोशिश करना है, क्योंकि मेरे कोशिश से कुछ होता था तो फिर मुझसे होता था कैसे। फॉल डाउन, अपने आप को छोड़ दो प्रभु के अनुग्रह के ऊपर, लॉर्ड बाय योर ग्रेस, आपके अनुग्रह से मैं वचन पढ़ूंगी, आपके अनुग्रह से मैं ये करूंगी, आपके अनुग्रह से ये करूंगी, और अगर नहीं किया तो मैं अपने आप को दोषी नहीं ठहराऊंगी। अरे मैंने बाइबल नहीं पढ़ा यार, वो जोसेफ प्रिंस वीडियो देखा, देखा वो आपने जोसेफ प्रिंस वीडियो देखा, हां जब हम नहीं खाते हैं जोसेफ प्रिंस कहते हैं तो हमें हमें दोष लगता है, दोषी हो जाते हैं, अरे यार मैंने नहीं खाया यार, नाश्ता नहीं किया यार, शी यार नाश्ता करना चाहिए था, नाश्ता नहीं किया, नाश्ता नहीं, नहीं आपको क्या होता है, भूख लगता है, और जब आपको भूख लगता है आप क्या करते हो, खाते हो, नहीं शी यार मैंने नाश्ता नहीं किया यार, क्या करूं नाश्ता नहीं किया, हे परमेश्वर मुझे क्षमा करो मैंने नाश्ता नहीं किया। एक बात बोलूं, प्रार्थना सुना मैं सुबह सुबह किसी का, तो वो जो से प्रार्थना करते तो प्रार्थना सुना, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, यही सुना मैंने, मैंने बहुत पाप किए क्षमा करो, मैंने बहुत पाप किए क्षमा करो, कितना क्षमा यार, दया करो मुझ पर, क्षमा करो, दया करो, क्षमा करो, क्या कर रहे हो। अगर मैंने खाना नहीं खाया मुझे बैठ के दोषी नहीं अपने आप को ठहराना कि मैंने खाना नहीं, उठो खाना खाओ, अरे यार सुबह बाइबल नहीं पढ़ा, अब क्या कर रहे हो, टाइम पास क्यों कर रहे हो, अभी पढ़ो ना, अभी पढ़ो ना, सुबह के टाइम में कुछ ऐसा नहीं है कि सुबह नहीं पढ़ा तो अभी नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हो ना, अभी बाइबल तो पढ़ो, दोषी में दोष देने का इसमें मत घुस जाना, वो शैतान का काम है। एक बात बताओ, परमेश्वर ने सारे जो वाटिका में बनाया था, ईडन गार्डन के वाटिका में सारे फल अच्छे थे, सारे झाड़ अच्छे थे, हाँ या ना, yes. सारे झाड़ अच्छे थे कि नहीं, yes. तो बुरा वाला कौन सा था, तो जब एडम और ईव ने वो खाया तो क्या हुआ, फल में कुछ था, फल में कुछ था। एक बात बताओ मुझे, एडम ने क्या कहा कि जब मैंने तुम्हारे वाणी को सुना मैं डर गया और मैं छिप गया क्योंकि मैं नग्न था, चैप्टर 2 के लास्ट वर्स पढ़ो, नग्न था ना, निवस्त्र, अच्छा ठीक, चैप्टर 2 जेनेसिस चैप्टर 2 का लास्ट वर्स पढ़ो, चैप्टर 2 का लास्ट वर्स, और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। एडम तू मुझे बोल रहा है कि तुम नंगे थे इसलिए तुम भाग गए, पर नंगे तो तुम पहले भी थे, क्या बदला, और परमेश्वर तो रोज के समय में वैसे ही आए, परमेश्वर की तरफ से कुछ नहीं बदला, परमेश्वर के नजरों से कुछ नहीं बदला है, बदला तो आदमी ने खुद का नसीब और खुद के हालात। जो आवाज जिस बंदे को आप देख रहे हो, जिस परमेश्वर को आप देख रहे हो, अभी आपने बोला कि उनका आवाज आपने सुना, जिस
परमेश्वर से गुप्तगु या वार्तालाप करते थे, उस परमेश्वर का बोल रहे कि आप उस परमेश्वर से चुप गए, जिस परमेश्वर अपना पूरे महिमा के साथ तुमको बनाया। तुम एक बात बताओ मुझे, एडम ने कौन सा ऐसे नंगा देखा, कौन से ऐसे वस्त्र पहना हुआ जानवर देखा पूरे दुनिया में? सब नंगे थे, किसके ऊपर वस्त्र था? तो एडम ने क्यों देखा कि मैं नंगा हूं? उसको कैसा पता चला कि मैं नंगा हूं? किसी ने तो वस्त्र नहीं पहना था तब तक, उनको कहां से पता चला? जो चीजें है भी नहीं आप उन पर ध्यान देते हो, बेवकूफी के चीजों पर ध्यान देते हो, अरे मुझ में परमेश्वर ने वो देखकर आपको नहीं चुना। परमेश्वर ने बिकॉज आई हैव चोजन यू, मैंने तुमसे प्यार किया इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारी काबिलियत तो तुम्हारी हैसियत से नहीं, कभी भी काबिलियत और हैसियत के बारे में बात मत करना, क्योंकि आप परमेश्वर गलतियां नहीं करते हैं, और यदि परमेश्वर ने चुना है आपको, आप एक गलती नहीं हो, वरना शैतान परमेश्वर पे हंस सकता है। और बाइबल में लिखा है कि चर्च के द्वारा, हमारे द्वारा परमेश्वर का बुद्धि सारे प्रधानता है और सामर्थ्यों को दिखाया जाता है। परमेश्वर का बुद्धि किसके द्वारा? हमारे द्वारा बुद्धि। अगर आपको पता करना है ना परमेश्वर कितने बुद्धिमान है, आप हमको देखो, हमको चुनाया, हमारे द्वारा कार्य करते परमेश्वर। परमेश्वर शो ऑफ कैसे करते? लोग बात करते ना, दिखावा कैसे करते परमेश्वर? दिखावा हमारे द्वारा। शैतान हंसता है, इन लोगों को चुना परमेश्वर, दे अंत अभी तक नहीं हुआ, देखो तो सही क्या होता है। पौलुस को चुना, ये तो तुम्हारे लोगों को, देखो तो सही क्या होता है। मूसा को चुना, ये तो बड़े से बात भी नहीं करा, ये तो डरपोक है, देखो तो सही क्या होता है। लवली को चुना, अरे देखो तो सही क्या होता है। देखो परमेश्वर गलतियां नहीं करते, परमेश्वर ने गलती नहीं की आपको चुनकर। परमेश्वर अपना जलाल जाहिर करके ही रहेगा। ब्यूटीफुल ना? तो आदम ने क्या किया? परमेश्वर की तरफ से कुछ कटा नहीं, परमेश्वर ने अपना मन में बदला नहीं, अभी तू पापी है, तू पापी है, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। परमेश्वर ने तुझसे किसने कहा कि तू नग्न है, वो बता मुझे। मैंने तो नहीं कहा। तुझसे किसने कहा कि तुम में काबिलियत नहीं है? मैंने तो नहीं कहा। और तुमको मैंने बनाया। हालात के अधीन मत रहो। तुमसे किसने कहा कि तुमसे नहीं होगा? अपने बोल बाला को चेंज करो, चेंज योर वोकैबुलरी, चेंज योर शब्द। परमेश्वर की तरफ से आप में कोई कमजोरी नहीं है। परमेश्वर जब देखते हैं आपको ना, आप में कोई क्या बोलते हैं, कोई वीकनेस नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है, कोई दाग नहीं है। निष्कलंक हो आप, निष्पाप हो आप, बहुत बलवान हो आप, बहुत सामर्थ्य है आप में, आप कुछ भी कर सकते हो, दुनिया हिला सकते हो। मैंने कहा ना Genesis 11:6, मनुष्य ने जो ठान लिया है और करने का यत्न कर दिया है उससे भला कौन रोक सकता है? परमेश्वर की नजर में आप ऐसे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्या करूं यार, हालात ही ऐसे कि मैं नहीं कर पाता। आप आंखें बंद करके दूध पीना बंद कर दो, पूरा दुनिया आपको देख रहा है। बिल्ली वैसे करती है ना, आंखें बंद करके दूध पीते हैं ताकि कोई देखे ना मेरा दूध, कोई चुराए ना, वैसे ही हम कर रहे, लाचार बिल्ली। परमेश्वर देख रहा है, इसको मैंने बनाया, इसको मैंने ऐसे नहीं, कौन कह रहा है उससे कि वो ऐसा है? कौन कह रहा है? किसका आवाज आप सुन रहे हो? वो परमेश्वर का नहीं है। आप जैसे बात कर रहे हो ना, पता चलता है कि आप किसी का आवाज सुन रहे हो, परमेश्वर का नहीं। सी हियर हाउ पीपल टॉक, सुनो बात कैसे करते लोग। नहीं मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं मुझसे नहीं होगा, हू आर यू हियरिंग? ये परमेश्वर की तरफ से वचन नहीं, वाणी नहीं, ये परमेश्वर का वाणी नहीं है। बदलो उस चीज को, क्या बदलो? आमेन। इसके बाद नो वीक टॉक्स, नो कमजोर टॉक्स, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? Revelation 22:17, Matthew 11:28 में यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम क्या दूंगा? विश्राम क्या दूंगा? विश्राम। आदम को क्या मिला? एडम को क्या मिला?
काम पसीना करके कमाया। आपको पता है एडम छुपने के पहले क्या किया एडम ने? उनको पता चला वो नग्न है, क्या किया एडम ने? फिग लीव्स, अंजीर का पत्ता, अंजीर का। और क्या किया उसको? बांध दिया। और क्या किया? सब कुछ अब तक परमेश्वर उनके लिए कर रहे थे, अभी खुद से उनको करना पड़ रहा है, खुद से करना पड़ रहा है। और परमेश्वर ने कहा क्योंकि तुम्हारा सोच ऐसा हो गया कि तुम्हें खुद से सब कुछ करना पड़ रहा है और तुमको लगता है तुम कर सकते हो खुद से, जाओ तुम्हारे खुद के भाजीपाला भी उगा कर रखो और उसी से खाओ, और जिस जमीन से तुझे निकाला गया उसी जमीन का तुम उपजाव करो, जो भी खेती बाड़ी करो और उसी का खाओ। क्योंकि तुमको लगता है तुम्हारे मेहनत से, तो परमेश्वर क्या करते हैं? पीछे हटते, बोलते तुम्हारे मेहनत से हो रहा है, करो तुम्हारे मेहनत से जो करना है, क्योंकि मैं तो बीच में नहीं आ सकता हूं तुम्हारे इच्छे के विरुद्ध। समझ में आ रहा है? तो हमको यदि लगता है कि हमारे मेहनत से होगा, हम सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे, नहीं होगा। परमेश्वर तेरे अनुग्रह से मुझे उठाओ सुबह, बस स्लीप, स्विच ऑफ द लाइट्स एंड स्लीप। He is faithful. Yeah. He that called you, विश्वासी हो गया है, वो उठाएगा ही उठाएगा। नहीं उठाया तो बता दो, नहीं उठाया तो बता दो। ये बात अलग है कि आप वापस से चुनते हो सोने के लिए, वो उठाएगा ही उठाएगा। चार बजे बोले ना, चार बजे आप क्लॉक देखो, चार बजे एग्जैक्ट, भले ही आपका क्लॉक आगे पीछे है, आपके क्लॉक के अनुसार चार बजे ही बजे। परमेश्वर कभी अपने वादों को हमेशा पूरा करता है। आपने बोला ना, परमेश्वर मैं अपने देह से नहीं कर सकता, मुझे तो बहुत नींद आ रहा है, आपके अनुग्रह से। और आप इतने फ्रेश रहोगे कि आपको नींद वापस आएगा। परमेश्वर को बोलो, जस्ट कीप मी वेरी फ्रेश, डिपेंड ऑन हिज ग्रेस एवरी टाइम। मैं अपने खुद से बातें करना बंद नहीं कर सकती, आई कैन नॉट स्टॉप माय माउथ फ्रॉम स्पीकिंग व्हाट लॉर्ड योर ग्रेस, आई अप्लाई योर ग्रेस, आपके अनुग्रह को मेरे लिप्स के ऊपर लगा दो। सो व्हेनेवर आई स्पीक, वर्ड्स ऑफ ग्रेस विल कम आउट, words of grace. You depend, you throw yourself on him, he loves. उनको बहुत अच्छा लगता है, वो आपके द्वारा काम करेंगे, कार्य करेंगे। Don't depend on your own strength. अपनी खुद के बुद्धि पे कभी निर्भर निर्भर मत बनो। Amen. Very simple. You told me to read Revelation 22:7. और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत मेंत ले। क्या करना है आपको? मैं घोड़े को पानी के पास लेके जा सकता हूँ पर पानी नहीं पिला सकता। पानी है, आ जाओ। यीशु मसीह ने कहा, आत्मा ने भी कहा है, आ जाओ। पानी ये है, अरे झुको पियो ना, झुको और पियो। क्या कष्ट करना है तुमको? टेंड इट एंड कीप इट, मतलब क्या? देखभाल करो बस। परमेश्वर क्या बोलते हैं, ही विल ग्रो द वेजिटेबल, ही विल ग्रो रेन वेन, सब वो करेगा, सब कुछ करेगा, आपको सिर्फ संभालना है, महफूज रहना है थोड़ा, ठीक है ना? फिर आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। पर जैसे मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गए, मनुष्य सब कष्ट करना पड़ेगा। आपके रिश्ते निभाने के लिए आपको कष्ट करना पड़ेगा, आपको पैसे कमाने के लिए कष्ट करना पड़ेगा, आपका हालत, आपका तबियत पूरा बिगड़ जाएगा, आपको निभाते निभाते करते करते पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। पर जब आप परमेश्वर के सानिध्य में हो, उसके अनुग्रह के ऊपर आप निर्भर हो, सब कुछ वो करता है आपके लिए, आपको सिर्फ आराम करना है। आओ मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों चाहिए विश्राम? यीशु मसीह, मुझे तो लगा था कि मुझे नहीं, नहीं फरीसी मत बनो, यीशु मसीह विश्राम देना चाहते हैं। आमीन, थैंक यू लॉर्ड। विश्राम, आप देखते कुछ हो रहा है, हलचल, कुछ हड़बड़ी, कुछ लोग आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं आपके तरफ, कुछ उठ रहे तूफान वगैरह, विश्राम। आपको पता है जब आप गाड़ी के अंदर हो, कांच वाच सब बंद है, कार के अंदर हो, कांच वाच सब बंद है, आप डरते हो बारिश से, अरे गीले हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, अरे डरते हो बारिश से, आप महफूज हो, आप देखोगे बारिश, अरे अच्छा बारिश, अच्छा बारिश। तो जब लोग आपके पास आते हैं, आप यीशु के अंदर महफूज हो, आप विश्राम के अवस्था में हो, आप सिर्फ बारिश को देख सकते हो, बारिश छू नहीं सकते आपको।
भले बरसात हो रहा है, लोगों को छू रहा है, फ्लड हो रहा है, आप महफूज हो। आप देखोगे, परमेश्वर के वचन में लिखेगा, आप आपके आंखों से देखोगे कि कैसा उनका विनाश हो रहा है या जो कुछ हो रहा है, पर आपको छुएगी तक। This is His word. Amen. Eternal life. Jesus is telling you eternal life. Eternal life क्या है? एक तोहफा, पता है तोहफा? अगर मैंने कहा कि ये gift wrap है, gift wrap, gift wrap